हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। और आज बात करने वाले हैं दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में ब्लैक टाइगर दोस्तों देखा गया है। कौन सा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में कौन सा ब्लैक टाइगर देखा है, संदर्भ क्या है, ब्लैक टाइगर की बात करेंगे, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व की बात करेंगे, क्या इंपॉर्टेंट इसमें होने वाला है। सबसे पहले देख लेते हैं सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो उड़ीसा में है। कहाँ पे दोस्तों? उड़ीसा राज्य में है। ये दोस्तों पूरी कंटेंट हमारी टू द फ्रंट प्रोग्राम के माध्यम से चलेगी। इसमें दोस्तों पीटी प्लस मेंस, इसमें हम दोनों को कवर करने वाले हैं यहाँ पे। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, आने वाली वीडियोस का आप लोग नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले कि संदर्भ क्या है इसका। संदर्भ की बात करें तो हाल ही में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में एक दुर्लभ ब्लैक टाइगर दोस्तों काला बाघ मृत पाया गया है। कैसा? मृत पाया गया है। कौन सा? दुर्लभ ब्लैक टाइगर काला बाघ। ये चित्र आप देख सकते हैं, इसी का है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि यहाँ पे ब्लैक टाइगर के बारे में। ब्लैक टाइगर के बारे में सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे तो ब्लैक टाइगर बाघ की कोई विशिष्ट प्रजाति या भौगोलिक प्रजाति नहीं है। सबसे पहली बात है दोस्तों, जो ब्लैक टाइगर है बाघ की यहाँ पे दोस्तों कोई भी प्रजाति या भौगोलिक उपप्रजाति नहीं है, बल्कि यह दुर्लभ रंग का रूप वाला बाघ होता है। कैसा? एक दुर्लभ, अति विचित्र रूप रंग वाला दोस्तों एक बाघ होता है। इसकी त्वचा की बात करें, त्वचा, बाल और फर आदि में गहरे वर्णक मेलानिन की मात्रा दोस्तों बढ़ जाती है, जिसका इसका रंग दोस्तों काला हो जाता है। किसकी दोस्तों बढ़ जाती है? गहरे वर्णक मेलानिन की। किस दोस्तों? मेलानिन की। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पूछा जाता है किसकी मात्रा बढ़ती है, तो मेलानिन की मात्रा बढ़ जाती है। यहाँ पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं ब्लैक टाइगर के बारे में, तो पहली बार वर्ष 1975 से 1976 में सिमलीपाल में पहली बार ब्लैक टाइगर की उपस्थिति को आधिकारिक तौर पर दर्ज किया गया था। भारत में सिमलीपाल के अतिरिक्त अन्य ब्लैक टाइगर भुवनेश्वर के नंदनकानन में जूलॉजिकल पार्क में, रांची चिड़ियाघर में और चेन्नई के अरिनगर अन्ना जूलॉजिकल पार्क में दोस्तों मौजूद है। कहाँ पे दोस्तों? सिमलीपाल के अलावा कहाँ पे है? भुवनेश्वर के नंदनकानन में है दोस्तों, रांची के चिड़ियाघर में है, साथ ही चेन्नई के अरिनगर में है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं और क्या बात की जा सकती है, देख लेते हैं। तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, इंपोर्टेंट है दोस्तों सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के बारे में, क्योंकि चर्चित रहा है इसलिए। तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा के मयूरभंज जिले में दोस्तों अवस्थित है। कहाँ पे? उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले में अवस्थित है। सिमलीपाल का नाम दोस्तों शिमुल रेशम कपड़ा के पेड़ से लिया गया है। किससे लिया गया है? शिमुल रेशम जो कपड़ा होता है उसके पेड़ के से लिया गया है। इसे 1956 में टाइगर रिजर्व दोस्तों घोषित किया गया था। कब किया गया था? 1956 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। 1973 में, 1973 में राष्ट्रीय संरक्षण कार्यक्रम प्रोजेक्ट टाइगर के दोस्तों तहत शामिल किया गया था। कब? 1973 में दोस्तों राष्ट्रीय संरक्षण कार्यक्रम प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इसको शामिल किया गया था। नेक्स्ट यहां पे देखते हैं कि और क्या बात की जा सकती है। तो सिमलीपाल को वर्ष 1994 में 1994 में बायोस्फीयर रिजर्व दोस्तों क्षेत्र घोषित किया गया। कब? 1994 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। वर्ष 2009 में इसको यूनेस्को के द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व के दोस्तों विश्व नेटवर्क में शामिल भी किया गया। कब? यूनेस्को के द्वारा 2009 में। कब दोस्तों? 2009 में बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के आसपास का क्षेत्र कोला, संथाला, भूमिजा, भटुंडी, गोड़ा, खड़िया, मनकड़िया सहित कई जनजातियों का दोस्तों यहाँ पे घर भी है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं। तो सिमलीपाल में आर्कटिक की दोस्तों 94 व अन्य पौधों की दोस्तों लगभग 1000 प्रजातियां पाई जाती हैं। किसकी? आर्कटिक जो होता है दोस्तों उसकी 94 और दोस्तों अन्य पौधों की यहाँ पे 1000 से अधिक दोस्तों प्रजातियां पाई जाती हैं। उभयचरों की लगभग 12 प्रजातियां, सरीसृप की दोस्तों 29 प्रजातियां, पक्षियों की 264 प्रजातियां, स्तनधारियों की 42 प्रजातियां इस क्षेत्र में दोस्तों पाई जाती है, जो सिमलीपाल की दोस्तों समृद्ध जैव विविधता को दोस्तों दर्शाती है। या दोस्तों जो इतना दोस्तों पाया जाता है कि उभयचर दोस्तों, सरीसृप, पक्षियां, स्तनधारी, तो अपने आप में दोस्तों एक जैव विविधता के लिए समृद्धता प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात की गई है कि तेंदुआ, गौर, हाथी, लंगूर, भौकने और चित्तीदार हिरन, भालू, नेवला, शाही, कछुआ, मॉनिटर, छिपकली, अजगर, सामर, पेंगोलिन आदि यहाँ पे दोस्तों जानवर भी पाए जाते हैं। कौन सी? मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ जिससे कि आप लोग के माइंड में एक बार सेट हो जाए। तेंदुआ, गौर, हाथी, लंगूर, भौकने, चित्तीदार हिरन, भालू, नेवला, शाही, कछुआ, मॉनिटर, छिपकली, अजगर, सामर, पेंगोलिन यहाँ पे दोस्तों प्रमुख जानवर भी पाए जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों साल यहाँ का पाए जाने वाला दोस्तों प्रमुख वृक्ष है। कौन सा? साल यहाँ का दोस्तों पाए जाने वाला प्रमुख वृक्ष है। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, मुझे पता है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, जिससे कि आप लोग की भी एग्जाम में हेल्प मिल सके। मुझे भी दोस्तों मोटिवेशन मिलता है आपके सब्सक्राइब से, बेस्ट बेस्ट कॉन्फ्रेंस लाने की पूरी कोशिश करता हूँ। आज के लिए दोस्तों इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करते हैं। वीडियो में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।